दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की लोकसभा चुनाव से जुड़ी प्रमुख खबरें। एनडीए की जीत पर ये बोले आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं पड़ोसी देश। वह 30 मई को दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वैसे अभी तक किसी को औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया है, मगर सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें पड़ोस के नेताओं को समारोह में बुलाने पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी से मुकाबले को तैयार स्टालिन बोले, केवल हिंदी भाषी राज्य भारत नहीं। डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शनिवार को कहा कि केंद्र की सरकार एक भी राज्य की अनदेखी नहीं कर सकती और अब केवल हिंदी भाषी राज्य भारत नहीं है। लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में अपनी पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित डीएमके अध्यक्ष ने पहली बार कहा कि उनकी पार्टी अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेगी। चिदंबरम की राहुल गांधी से भावुक अपील, इस्तीफा देंगे तो कार्यकर्ता करेंगे आत्महत्या। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अपील की है कि वह पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा न दे, ऐसा करने से दक्षिण भारत के कांग्रेस कार्यकर्ता आत्महत्या कर लेंगे। केजरीवाल आज आप कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की होगी समीक्षा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में करारे शिकस्त को लेकर इन दिनों मंथन कर रहे हैं। उन्होंने आज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। मोदी शाह को घेरने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को आई भाजपा की याद, बोले ये पार्टी हाल तक मेरी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशेष रूप से हमारे पारिवारिक मित्र रविशंकर प्रसाद को जीत की बहुत बहुत बधाई। यह उस पार्टी में जश्न का वक्त है जो हाल तक मेरी भी थी। मैं सभी को दिल से सलाम करता हूँ। मोदी आज जाएंगे गुजरात। शपथ ग्रहण से पहले माहिरा बहन से लेंगे आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज गुजरात जाएंगे। यहाँ मोदी अपनी माहिरा बहन का आशीर्वाद लेंगे और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बनाया राजस्थान का प्रभारी। रणनीति के लिहाज से राजस्थान को महत्वपूर्ण मानते हुए शनिवार को हुई आम आदमी पार्टी की बैठक में प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हार के बाद अखिलेश यादव ने किया अगले कदम का ऐलान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अब 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए और यह कामकाज आज से ही शुरू कर दिया जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और झटका। अशोक चव्हाण ने सौंपा इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने पार्टी की हार के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ममता के इस्तीफे की पेशकश को भाजपा ने बताया नाटक। भाजपा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के सीएम पद से ममता बनर्जी के इस्तीफे की पेशकश को नाटक करार दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि टीएमसी की सरकार खुद ही गिर जाएगी और इसके लिए भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ, गहलोत ने पार्टी से ऊपर रखा निजी हित। राहुल गांधी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल ने वरिष्ठ नेताओं पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी हित से ऊपर अपने निजी हित को रखा। राहुल सीएम अशोक गहलोत और कमलनाथ के बेटों को टिकट दिलाने के पक्ष में नहीं थे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।